आज के समय में हर कोई अट्रैक्टिव और सुंदर दिखना चाहता है और इसके लिए वो ना जाने किन किन होम रेमेडीज को और महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफस्टाइल में जोड़ते हैं। लेकिन फिर भी जब चेहरे पर निशान रहते हैं तो लोग उदास हो जाते हैं। जब आपकी फेस पर ज्यादा पसीना आता है या त्वचा के आसपास ज्यादा पॉल्यूशन के कारण चेहरे पर काले निशान बनना शुरू हो जाते हैं, ये निशान चेहरे की सुंदरता को खराब कर सकते हैं। इसके साथ ही जब भी आप चेहरा धोते हैं तो कई बार ऐसा होता है तो हम अपने नाक के कॉर्नर्स पर ध्यान नहीं देते, जिससे धीरे धीरे ब्लैकनेस बढ़ने लगती है। नाक के पास की त्वचा और उसके कोनों में डार्कनेस होने से चेहरा बेहद खराब लगने लगता है। ऐसे में इस समस्या को कैसे दूर करें? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आसानी से आप नाक के कालेपन को दूर कर सकते हैं। नाक के कॉर्नर के कालेपन को दूर करने के लिए टमाटर का आप यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, टमाटर की प्यूरी तैयार करें और उसे नाक के कॉर्नर्स पर लगाएं और 15 से 20 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। उसके बाद नॉर्मल पानी से चेहरा धो लें। ऐसा करने से नाक के कोनों में जमा कालापन दूर हो जाएगा। जब आप ये रेमेडी कंटिन्यू करेंगे तो आपको धीरे धीरे फर्क दिखाई देगा। इसके अलावा आप शहद का यूज कर सकते हैं, इससे भी कालापन दूर किया जा सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, नाक के कॉर्नर में शहद लगाएं और थोड़ी देर उसे ऐसे ही छोड़ दें। जब शहद सूख जाए तो उसे गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा करने से न केवल त्वचा में नमी लौटेगी बल्कि नाक के कोनों का कालापन जो है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।